दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरीके से अपनी अपनी बातें रख रही हैं, ये साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा एक चीज का आया कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां तक नहीं दी। सोचिए, वो जो हर मुद्दे पर बधाइयां देते हुए नजर आते, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, वो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाइयां नहीं देते हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा है जिनको जनता पसंद करती है। हिंदुत्व का चेहरा अगर किसी को माना जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। वही मुख्यमंत्री के लिए जन्मदिन के दिन योगी आदित्यनाथ के लिए बधाई नहीं दी जाती है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, तो अटकलें बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं और अटकलों का बाजार भी बहुत तेजी से गर्म है। दूसरी चीज, एके शर्मा को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया है, गुजरात से उत्तर प्रदेश में लाया गया और उसके बाद जो सरकार है उसमें उसकी एंट्री कराने की तैयारी चल रही थी और उसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई, संगठन लेवल पर चर्चाएं हुई, ऐसी ऐसी बातें भी सामने आने लगी थी कि बीएल संतोष जब आए हैं तो कुछ परिवर्तन करके जाएंगे। और भी जिस प्रकार से राधामोहन का कहें कि जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद भी बहुत अटकलें तेज हैं। और क्या उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की एंट्री हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ दिन पहले आप लोगों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं सुनी थी, शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा सुनी, मीडिया भी अपनी तरीके से तर्क रख रहा था, वहां पर भी कई बैठकों का दौर चला, ऐसे दौर उत्तर प्रदेश में चला। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या कनेक्शन है, इस पर भी बात करनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और विधायक को उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मुख्यमंत्री के माध्यम से ही टिकट मिलेगी, मतलब मुख्यमंत्री क्लियर करेंगे कि विधायक को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोचिए आप, वो विधायक जो अभी तक नाराज हैं, वो विधायक जिनकी अभी तक चली नहीं है, वो मंत्री जिनकी अभी तक सुनाई नहीं गई है, सुनवाई तक नहीं हुई है, क्या जो वर्तमान मंत्री विधायक हैं वो रिपीट होंगे जिन्हें टिकट मिलेगी, या फिर इसमें से कई विधायक मंत्री बदल दिए जाएंगे? ऐसी बातों के बीच में पार्टी में दो फाड़ होना भी लाजमी है और ऐसी स्थिति बनने लगी है। एक केशव प्रसाद मौर्य जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उनके कद को हमेशा छोटा करके उत्तर प्रदेश में रखा गया है, वो ही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता बीजेपी को दी और बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को दे दी। आज स्थिति यह आ गई है कि योगी आदित्यनाथ खुद निर्णय लेने लगे हैं, संगठन शायद बहुत दूर हो गया है। उत्तर प्रदेश में ना तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ना एके शर्मा की एंट्री होगी। ब्राह्मण भी बहुत काफी नाराज है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केवल केंद्र सरकार की दिखाई दे रही, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज दिखाई नहीं दे रहे, जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जनता की नाराजगी, कोविड की दौर में जिस तरीके से जनता ने परेशानी झेली है वो भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। आरएसएस भी सक्रिय हो गई है, तो क्या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए केंद्र चाहता था कि योगी आदित्यनाथ हटे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जिद कहें या कहें कि उनके नेतृत्व में बड़े नेता उनके साथ में नजर आ रहे हैं और शायद आरएसएस का भी थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में एक अटकलें और लगाई जा रही हैं कि चलिए दोनों के बीच का विवाद कैसे शांत हो, कैसे उत्तर प्रदेश को खोने से बचा पाए केंद्र। केंद्र को इस समय चिंता सता रही है कि अगर हम 2022 का चुनाव हार जाते हैं तो केंद्र सरकार में काबिज रहने में बहुत दिक्कत होगी और 2024 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसको लेके केंद्र और आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं चिंतन कर रही है और उसको लेके परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी उत्तर प्रदेश को संभाल ले जाए और उत्तर प्रदेश को हम बचा ले जाएं। योगी आदित्यनाथ का बड़े पैमाने पर विरोध भी है, जनता भी विरोध कर रही है, आम जनता जो कोरोना से परेशान हुई वो तो विरोध कर ही रही है, साथ ही साथ ब्राह्मण जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और अब हर पार्टी इस समय ब्राह्मणों को नजर में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीएसपी हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, और बीजेपी तो है ही,
अब एक पार्टी का और उदय होने वाला है जो भीम आर्मी की पार्टी है, तो उसके बारे में अब देखने वाली बात है कि चंद्रशेखर आजाद रावण किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाते हैं। अच्छा खासा उनका भी वेटेज हो चुका है, तो और पार्टियों की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश में जो विवाद है, जो जैसा देखने में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सीधे सीधे नाराज है योगी आदित्यनाथ से और उन्हें वो अब हटाना चाहते हैं और कुछ लोगों को लाना चाहते हैं, या कहें कि उनका कद थोड़ा छोटा करना चाहते हैं और कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जिनसे जनता कम परिचित हो और उनके प्रति उनका विरोध भी ना हो, ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। विधायकों के लिए मनाने की कोशिश की जा रही, मंत्रियों को मनाने की कोशिश की जा रही, कार्यकर्ताओं की आवाज सुने जाने की कोशिश की जा रही। लेकिन मैंने कहा मध्य प्रदेश में हलचल मची थी, तो मध्य प्रदेश में हलचल का कारण क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश 2022 के पहले पहले दो राज्यों में बंट जाएगा? क्या हो सकता है जो मायावती ने प्रस्ताव दिया था तीन राज्यों का उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर, उस पर मोहर लग जाएगी? योगी आदित्यनाथ का मन अपनी जगह रखा जाए, योगी आदित्यनाथ की जो है वो अपने नेतृत्व अपने तरीके से चुनाव लड़े, बीजेपी अपने तरीके से रणनीति बनाए, और उत्तर प्रदेश के अगर टुकड़े होते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया उदय होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा महत्व है। और लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग करने वाले नेताओं की भाषणों पर भी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन लोगों ने केवल बुंदेलखंड के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं, करा कुछ नहीं पाए। आज कैसे भी मजबूरी सही, राजनीतिक मजबूरी सही, जिस समय राजनीतिक मजबूरी मायावती के समय देखने को मिली थी, जब सत्ता से बाहर होने के डर से मायावती ने उत्तर प्रदेश के तीन टुकड़े करने के लिए प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज दिया था। अब पूरी कमान केंद्र के हाथ में है और केंद्र चाहे तो उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े कर सकती है, तीन टुकड़े कर सकती है, और मध्य प्रदेश के कुछ जिले अगर वो लेते हैं तो ये सोचिए मध्य प्रदेश की राजनीति में कितनी बड़ी उठापटक हो जाएगी। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की सरकार की नैया डामाडोल होती रहती है, और अगर 5-6 जिले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य में आ जाते हैं तो वहां की राजनीति में कितनी बड़ी उठापटक होगी, इन सभी चीजों का आकलन करने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों को यह खबर सुनने को मिले कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े या तीन टुकड़े हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र और योगी का जो विवाद है, आपसी विवाद जो दूर से दिखाई दे रहा है, मीडिया रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, उसको शांत करना है तो ये सब करना पड़ेगा। और केंद्र के पास एक बहुत बड़ा एक रास्ता है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दो और योगी आदित्यनाथ को एक प्रांत से चुनाव लड़वा दीजिए, अलग से दूसरे प्रांत से और कोई कैंडिडेट देगा, और ऐसे ऐसे करके तीनों राज्यों पर बीजेपी काबिज भी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस सब चीजों रणनीति पर काम किया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी तस्वीर साफ होती है और बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाले लोगों के लिए क्या बुंदेलखंड राज मिलेगा। आपका क्या विचार है, रखिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में। और सुनिए, जो लोग हमें सुनते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें जानते हैं पहचानते हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने विचार को